बहराइच जिला प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के दौरे के चंद घंटों के बाद जिला अस्पताल से जो तस्वीरें निकल के आई हैं वो यकीनन चौंकाने वाली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहराइच जिला अस्पताल की, जहां चंद घंटों की बरसात के बाद ही पालिका की पोल खुलकर रह गई है। पालिका ने यूं तो सीवर व नालों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन चंद घंटों की बरसात के बाद जिला अस्पताल के अंदर इस हद तक पानी भर गया कि मरीजों का इलाज मोबाइल की टॉर्च व मोमबत्ती की रोशनी में करना पड़ा। यहाँ तक कि आपातकालीन वार्ड तक में डॉक्टरों ने मरीजों को जो ट्रीटमेंट दिया, जो इलाज किया, टांके भरे, वो सब मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में किया गया। भीषण गर्मी में बिजली ना होने की वजह से कई घंटों तक सरकारी अस्पताल में अफरा तफरी मची रही और मरीजों के तीमारदारों को व मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यूपी यूके लाइव के लिए वसीम अब्बासी। क्या नाम है आपका? मनीराम। मनीराम जी, बताइए जिला अस्पताल में कितने घंटे से लाइट नहीं है? 11 बजे से। रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। कोई पुरसा हाल लेने वाला आया? जनरेटर चला कि नहीं चला? नहीं। मतलब 12 घंटे हो रहे हैं लगातार अंधेरे में आप लोग बैठे हुए हैं। जी, किसी से कोई शिकायत की गई है? नहीं। बस अंधेरे में बैठे हैं जी।